दोस्तों इन दिनों बॉलीवुड में एक फिल्म को लेकर काफी हेरा फेरी चल रही है। कभी हाँ की सिचुएशन होती है तो कभी ना की सिचुएशन होती है। यानी कि भैया इस हेरा फेरी को देखने के बाद हम ये सवाल पूछ सकते हैं कि भाई ये हेरा फेरी कब खत्म होगी और कब हेरा फेरी 3 बॉक्स ऑफिस पर आएगी। यानी कि भैया इस फिल्म को लेकर कई सारे गॉसिप हम लोग लगातार सुनते आ रहे हैं, लेकिन इस फिल्म को लेकर ऑफिशियली अब तक इस फिल्म के मेकर्स की तरफ से कोई भी जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है। लेकिन जो खबरें आ रही है उसको देखने के बाद हम ये जरूर कह सकते हैं कि उम्मीद रखो दोस्तों ये फिल्म बहुत जल्दी ही सिनेमाघर में आ सकती है, यानी कि हेरा फेरी 3। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपके लिए लिख रहा हूं और एक खास रिपोर्ट जो कि जुड़े भैया बॉलीवुड के रियल मेगा स्टार यानी कि गारंटी कुमार, खिलाड़ी कुमार, रिकॉर्ड कुमार यानी कि भाई स्पीडी कुमार, अक्षय कुमार से। तो दोस्तों दर्शकों को काफी दिनों से इस फिल्म का इंतजार है, ये बात तो हम जानते हैं। यानी कि लगातार कई बार दर्शक मुझसे भी कमेंट के माध्यम से ये सवाल पूछते आए हैं कि क्या हेरा फेरी 3 को लेकर जो खबरें इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही हैं, तो क्या वो खबरें सही हैं, क्या ये इस फिल्म पे काम चल रहा है, क्या ये फिल्म सिनेमा घर में आएगी। तो दोस्तों बहुत सारे सवाल हैं और इसके जवाब भी बहुत ही घुमावदार हैं। दोस्तों आपको याद होगा कि 2017 में नीरज बोहरा ने जो कि इस फिल्म के डायरेक्टर थे यानी कि दूसरे डायरेक्टर थे, उन्होंने इस फिल्म की घोषणा की थी और पूरे स्टार कास्ट को ही उन्होंने चेंज कर दिया था, यानी कि जॉन अब्राहम, अभिषेक बच्चन यानी कि बहुत सारे नाम चेंज हुए थे। और बताऊं तो भैया इस फिल्म में अक्षय कुमार नहीं थे, लेकिन भाई जैसे ही नीरज बोहरा का देहांत हुआ उसके बाद भी ये प्रोजेक्ट अधर में चला गया और उसके बाद से कहा जाने लगा कि शायद यह फिल्म नहीं बन पाएगी। लेकिन आज इस फिल्म से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी खबर आई जो कि इस फिल्म से जुड़ी हुई एक्ट्रेस यानी कि ईशा गुप्ता ने बताई है। उन्होंने बताया भैया कि 2017 तक वो इस फिल्म के साथ जुड़ी हुई थी और इस फिल्म पर काम भी चल रहा था, लेकिन जैसे ही नीरज बोहरा जी का देहांत हुआ उसके बाद से ही उनका इस फिल्म से नाता टूट गया, यानी कि वो इस फिल्म से बाहर हो गई। लेकिन उन्होंने इस बात की जानकारी जरूर दी कि हां भाई हेरा फेरी 3 का काम चल रहा था। और उसके साथ उन्होंने एक और बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क दे दिया कि भाई मैं वो सही पर्सन नहीं हूं जिससे आप ये सवाल पूछ सकते हो, यानी कि भैया वो सही बंदी नहीं है जिससे ये सवाल पूछा जाए, क्योंकि वो इन दिनों इस प्रोजेक्ट के साथ नहीं जुड़ी हैं। लेकिन उन्होंने एक संतोषजनक बात तो जरूर बताई है कि हां इस प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है और बहुत जल्दी ही इस पर अनाउंसमेंट भी हो सकता है, यानी कि भैया लॉकडाउन जैसे खत्म होगा तो ईशा गुप्ता जी को उम्मीद है कि हो सकता है कि इस फिल्म को लेकर बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया जाए। तो आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा कि भाई हेरा फेरी 3 को लेकर जो हेरा फेरी इन दिनों बॉक्स ऑफिस के गलियारों में हो रही है उससे आप कितने परेशान हैं। और अगर आपसे मैं सीधा सपाट एक सवाल पूछूं कि क्या आपको इस फिल्म का इंतजार है, तो आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल वरुण जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।